नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के प्रथम पड़ाव ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने भी कमर कस ली है, जहां मेयर अनीता ममगाई ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। का जो विषय था कि पॉलिथीन ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे भारतवर्ष में ही बैन कर रखा है। ऋषिकेश में हमने इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से आने वाला पर्यटक ऋषिकेश में आता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। चार धाम यात्रा 2 सालों से जो प्रभावित थी कोरोना के कारण, इस समय बहुत ही सुंदर चलने वाली है। बहुत ही अच्छी, पूरे देश विदेश से श्रद्धालु पर्यटक इसमें आने वाले हैं और हमारे ऋषिकेश का भी, उत्तराखंड का भी पूरा व्यापार इसमें अच्छा बढ़ेगा। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरदोई में भी प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। DM अविनाश कुमार ने बताया कि कोविड के केस यहाँ नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही DM ने बताया कि सबसे बड़ी लड़ाई वैक्सीनेशन को लेकर के लड़ी गई, जहां हरदोई में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का 90% टीकाकरण किया जा चुका है और 15 से 18 वर्ष के लोगों का 85% टीकाकरण हो चुका है। देखिए, अभी जनपद हरदोई में कोविड के केसेस की संख्या अभी नहीं बढ़ना शुरू हुई है, परंतु प्रदेश के जो अन्य ज़िले हैं जो कि दिल्ली से लगे हुए हैं, वहाँ पे इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने अपने स्तर पे ऑलरेडी व्यवस्थाएं पूरी कर रखी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जनपद में जो वैक्सीनेशन का प्रतिशत है, जो पूर्णतः वैक्सीनेशन का प्रतिशत है जो 18 वर्ष से ऊपर का है, वो लगभग 90% है और जो 15 से 18 वर्ष के आयु बच्चों का भी जो वैक्सीनेशन किया था, उसमें भी हम लोग लगभग 85% की प्रगति कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो कोविड के विरुद्ध जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है। अगर हमने वैक्सीन लगा ली तो हम लोग सही तरीके से उसके विरुद्ध लड़ाई कर सकते हैं। UP में बुलडोजर बाबा का अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। वहीं बस्ती में भी अवैध मकान दुकान को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें कि बस्ती में 7 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जिसकी कीमत 8 से 10 करोड़ है। बता दें कि जनपद में अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर लगातार नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। अभी हम लोगों ने जनपद बस्ती में शहरी इलाका और ग्रामीण इलाका मिला करके करीब 60 हेक्टेयर जमीन पर से अतिक्रमण हटाया है, जिसकी वैल्यू कम से कम 8 से 10 करोड़ है। और इसमें साथ के साथ कुछ प्रकरण तो ऐसे भी हैं जिसमें मात्र नोटिस देने पर व्यक्ति के द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटा दिया गया। मतलब कुछ लोगों को नोटिस स्वयं ही हटा रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि जो सरकारी जमीन पर लोगों को क्या अवेयरनेस जा रहा है, क्या वो हो रहा है? लोगों को ये लग रहा है कि सरकार अतिक्रमण हटाए या प्रशासन अतिक्रमण हटाए, उससे पहले ही स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लेना चाहिए, इस कारण से वो अपना अतिक्रमण हटा दे। हापुड़ में जिलाधिकारी ने सड़क पर उतरकर शहर का जायजा लिया, जिसके बाद अधीनस्थ अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं जिलाधिकारी ने गंदगी और खुले नाले को देखकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्थाओं और अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रुद्रपुर के पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर CM पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां BJP पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। CM पुष्कर सिंह धामी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, पूर्व सांसद बलराज पासी, पूर्व किच्छा विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद रहे। देश में एक तरफ सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है, तो वहीं अमेठी में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। दरअसल जिले में स्वास्थ्य महकमे की मेहरबानी से झोला छाप डॉक्टर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं इस मामले में CMO सीमा मेहरा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मेरठ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के दौरान कर्मचारी वर्कशॉप में काम कर रहे थे। धीरे धीरे केमिकल से भरे दो ड्रम भी आग की चपेट में आ गए और फैक्ट्री से धुएं का गुब्बारा उठने लगा, जिसके बाद आनन फानन में सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला इंचोली थाना क्षेत्र के फिटकरी गाँव का है। गोरखपुर में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर जनपद के विभिन्न मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाया गया। साथ ही जहां लाउडस्पीकर की ध्वनि तेज थी उसे कम भी कराया गया। इमाम साहब, आज आपने अपने मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारा है, क्या कुछ था, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि हमें आदेश मिला, कोतवाली में बुलाया गया और उन्होंने बताया कि शासन का और चीफ जस्टिस या जो भी जजों का आदेश है कि जो है ये ध्वनि जो है ज़्यादा ना होने पाए, प्रदूषण ना होने पाए, इसलिए एक माइक उतार दिया जाए और एक माइक लगने या दो लगा है तो एक उतार दिया जाए और एक जो है लगा रहे जिससे आप धीमी आवाज़ में अजान पहुँच जाए और लोग अपना नमाज पढ़ लें, रोज़ा खोल लें, जो है सेहरी खा लें। तो ये आदेश मुझको मिला तो मैंने उतरवा दिया कंकड़ की ताजिए का और वलीदात खां मस्जिद मियां बाजार जाहिर साहब के बगल का जो है वो भी माइक मैंने उतरवा दिया है। अब एक माइक लगा रहेगा जिससे वो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, इससे कोई परेशानी नहीं है। जो शासन का आदेश है वो हम सर आँखों पर है, उसका तो पालन करना मेरा फर्ज है। मंदिरों से भी हटाया गया है, मस्जिदों से भी हटाया गया, दोनों लोगों का है, इसमें कोई आपस में हिंदू मुसलमान की जो है सभ्यता बनी रहे आपस में। हरदोई में भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन बेहाल है, ऐसे में बिजली कटौती और लो वोल्टेज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दरअसल एक स्कूल में गर्मी में बिजली कटौती से परेशान छात्रों ने किताबों को पंखा बनाया। बता दें कि 8 दिन से बिजली की जबरदस्त किल्लत बनी हुई है, 24 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे बिजली मिल रही है। लाइट के न आने से तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है और खासकर जिस समय बच्चे एमडीएम के बाद खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो उस समय क्योंकि मोटर न चलने से पानी टंकी भर रहता नहीं है और क्योंकि हैंडपाइप की व्यवस्था है तो उसमें एक हैंडपाइप में और ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए लाइट के न आने से उधर कमरों में जो पंखे भी नहीं चलते हैं, बच्चे गर्मी में हैं वो अपना नहीं है तो दफ्ती या किताब से पंखा करते रहते हैं, इसलिए लाइट की समस्या। अच्छा, गर्मी में दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी तो पावर आएगी भी तो पावर इतना डिम रहेगा कि हमारी मोटर नहीं चल पाती, तो ऐसे बहुत बड़ी समस्या रहती है। एक तो लाइट रहती ही नहीं है। अमेठी में सपा नेत्री गुंजन सिंह की दबंगई सामने आई है, जहां सपा नेत्री गुंजन सिंह ने दबंगों के साथ मिलकर दलित के मकान को जेसीबी से गिरा दिया। विरोध करने पर दलित के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। सपा नेत्री की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित दलित परिवार ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है।